इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो मैं अगले साल बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो मैं अगले साल बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेज हैं, वो गाइड नहीं करते प्रॉपरली अपनी। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सबसे पहले फैमिली देखो। मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुआ, मेरा बड़ा भाई है दिल्ली में, उसको देख के इंस्पायर हुआ। रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए जिसे आने वाले समय में आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें और कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को फिट रख सकें। आज मेरे साथ परमवीर सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनको लगा कि एक अच्छा शरीर बनना ही इनका एक एम है और कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करना कि वो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में जाएं। परमवीर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। परमवीर जी, आप हमें बताएं कि किस तरह से आपको बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डिंग का, कि या आपने किसी को देखा होगा कि आपको लगा कि मुझे भी ऐसा शरीर बनाना है और कहीं ना कहीं स्टेज पे जाके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, एज सच क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं, हम देखते हैं, औरों को देखते हैं। मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुआ, मेरा बड़ा भाई है दिल्ली में, उसको देख के इंस्पायर हुआ। फिर उसके बाद हमारे प्रिंस भाटिया सर हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको देख के इंस्पायर हुआ कि वो 54-50 की एज में भी इस टाइम वो दिग्गज बॉडी बिल्डर हैं और उनको भी प्रो कार्ड मिला है। तो ऐसे ही देखते ही ये सफर शुरू हुआ सबको देख के। आपकी इसमें उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस टाइम 31 है। 2018 में जम्मू में एक बॉडी बॉल कंपटीशन हुआ था, उसमें आपने कम्पीट किया था, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उसके बाद लेकिन आप स्टेज के ऊपर से कहीं गायब हो गए। मैंने बहुत सारे कंपटीशन की कवरेज किया है जम्मू में भी, लेकिन उसके बाद आप स्टेज पे दिखे नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, उसके बाद देखो, हम बॉडी बिल्डिंग की लाइन में क्या होता है, हमें इंजरीज के साथ चलना पड़ता है। और मेरे को भी इंजरी आई थी, चेस्ट पैक का मेरा यहाँ पे टीयर था, उसको लेके मैं साथ चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं लास्ट ईयर एनपीसी चंडीगढ़ खेला था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल, बहुत बहुत मुबारक है आपको। लेकिन परमवीर जी, हम आपसे अभी यही जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन होते हैं, क्या उसमें हम परमवीर जी को स्टेज पर देखेंगे? जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट ईयर की प्रेप कर रहा हूँ, मैं इस टाइम ऑफ सीजन पे हूँ बट लगा हुआ हूँ। इस समय हमने बड़ी बार देखा जम्मू में आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप इस समय जम्मू में नहीं है क्या? नहीं, मैं जम्मू में ही हूँ बट मैं थोड़ा सा अंडरग्राउंड होकर प्रेप कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरग्राउंड और कुछ लास्ट ईयर मैरिज हुई है। बेसिकली हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइफ के साथ साथ हम इंडियंस हैं, तो हमें अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है। तो इस टाइम पे मैं घर को भी टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने फैंस को या अपने पैशन को भी टाइम दे रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सबसे पहले फैमिली देखो। अगर आपकी फैमिली सुख में है तो उसके बाद आपने पैशन पे काम कर सकते हो। तो लगभग कितने साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप जम्मू में कंपीट करके पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर पाएंगे, साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं 10 से 12 साल मुझे कंपीट करते हुए हो गए हैं, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो गया हुआ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लगता है कि हम जम्मू वालों को उतना, या जम्मू क्या, हम यस जम्मू कश्मीर वालों को उतना ग्रो नहीं मिल पाता जितना बाहर हरियाणा, दिल्ली, मुंबई में एक्सपोजर है बॉडी बिल्डर्स के लिए। इतना जम्मू कश्मीर के बॉडी बिल्डर्स को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। मेन चीज होती है बॉडी बिल्डिंग भी वही करता है जो जिसको मतलब क्रैश डाइटिंग या अपने साथ खेलने की आदत हो। कोई भी आप देख लोगे अमीर बंदा या जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो इस लाइन में आता ही नहीं है, मिडिल क्लास बनता ही बॉडी बिल्डर बनता है। परमवीर जी, एक सवाल अक्सर युवाओं को रहता है, जो भी युवा जिम करने जाता है जम्मू में, जब युवा जिम करने जाते हैं, मैं काफी सारी मेरी बात युवाओं से होती है, क्योंकि मेरा एक एम रहता है कि जो भी जम्मू कश्मीर के हमारे भाई हैं, खासकर मेरे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करके, क्योंकि मैं जब जिम में एक घंटा देता हूँ तो मेरे से टाइम ही निकाल पाता, लेकिन फिर भी जब जो बॉडी बिल्डर है वो कहीं ना कहीं इतना समय निकाल के, हालांकि उसमें एक महत्वपूर्ण कहीं है आराम करना, मतलब विश्राम करना, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि शॉर्टकट पे मत जाओ, जितना हो सके एक बेटर डाइट लो। अगर मैं इस टाइम ऑफ पे हूं तो मैं राइट नाउ 100 kg हूं, तो बस मैंने कुछ बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग लाइन से या जिम से थोड़ा साइड हटते हैं उनका बॉडी रिड्यूस हो जाता है, वो अपना वेट पुट ऑन जो अच्छा पहले बॉडी बनाई होती है वो एकदम से गिर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मत लो, अच्छी खुराक खाओ, डाइट खाओ, जिससे आप ऑफ सीजन में भी अच्छे दिखो। परमवीर जी, कहीं ना जम्मू कश्मीर में देखा जाता है कि जो युवा बॉडी बिल्डिंग में बड़ा शौक है उनको, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाती, और जो उनके कईयों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल होती है वो भी उनको सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि क्या इस बॉडी बिल्डिंग में रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का जोश होता है, उन्हें एक अपना स्टाइल और एक अपना एम होता है कि कहीं ना कहीं मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन स्टेज पर जाऊंगा और अपना शरीर दिखा के कहीं ना कहीं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं जाती, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों है? देखिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है बट अब इंडिया या क्या पूरी दुनिया में आप देख लो, अब बॉडी बिल्डिंग से लोग पीछे होते आए हैं। आप देख सकते हो कि अभी एक जस्ट सीबम के साथ ही एक और बॉडी बिल्डर है जो क्रिस बम्स्टरडम के साथ ही, उन्होंने जस्ट संन्यास ले लिया। वो इसीलिए वो 31 की एज में संन्यास ले रहे हैं क्योंकि जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है। अभी आज की न्यूज है एक बंदा ट्रेडमिल पे मर गया है, शायद हरियाणा या कहीं की न्यूज है। तो
ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे मिसयूज करते हैं सप्लीमेंट्स का या मिसयूज करते हैं स्टीरॉइड्स का, दैट्स वाई वो भी अलाउ नहीं करते बच्चों को कि आप बॉडी बिल्डिंग मत जाओ, फिटनेस के लिए जिम करो। इसका मेन रीजन है कि जो ट्रेनर्स हैं जो कोचेज हैं वो गाइड नहीं करते प्रॉपरली, वो अपनी जेब भरने के चक्कर में क्या करते हैं कि उनको शॉर्टकट दिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये स्टीरॉइड्स हैं ये सप्लीमेंट्स हैं, तो उनकी खुराक कम रखते हैं जब एज कम्पेयर टू सारा दामोदार सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं। ये भी एक रीजन है कि बच्चे जल्दी जब ग्रो कर जाते हैं बट जब उनकी डेथ रेट हो जाता है या वो बीमार हो जाते हैं ये चीज बढ़ जाती है, फिर प्रशासन इस चीज को कैसे अलो करेगा। जी परमवीर जी, कहीं ना कहीं आप भी सोशल अकाउंट पे एक्टिव हैं, अक्सर इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देखने को मिलती हैं कि रील्स में दिखाया जाता है कि जो जिम में जा रहे हैं उसमें दिखाया जाता है कि पर्सनल ट्रेनर जो है वो जिम बहुत अच्छे से करा रहा है, और जो ऐसे नॉर्मल होते हैं उनको सिर्फ कहते हैं कि आप ऐसे करिए या कुछ ऐसे करिए आप जाइए, लेकिन पर्सनल जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको वो बहुत अच्छे से करते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसान हो? बेसिकली मसला क्या है कि अगर इंस्टाग्राम रील्स जो चलती हैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें दिखाया जाता है कि पर्सनल जो ट्रेनर वो उसको उठा उठा के मशीन पे रख रहा है, उठा उठा के डंबल दे रहा है। हम इस समय बात करें सोशल अकाउंट की, असल रियलिटी क्या है वो ना मुझे पता है, शायद आपको पता होगा, हम इस समय बात करें सोशल मीडिया की, जो इंस्टाग्राम पे अक्सर देखा जाता है कि रील्स में क्या है कि जो जिम करने जा रहा है देखा जाता है कि पर्सनल ट्रेनर उसको दरवाजा खोल रहा है जिम का, उसको आते ही पानी दे रहा है, उसको शेक भी करके दे रहा है जो प्रोटीन वगैरह था, इसमें आप क्या कहेंगे? इस पे कुछ नहीं है, वो वेरी सिंपल से लॉजिक है, अगर जो हम मूवीज देखते हैं और जो हमें एक्चुअल लाइफ है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अंडरटेनिंग के लिए आपके लिए निर्भर हैं या जिम्मेदार हैं, उसके अलावा आप घर पे क्या कर रहे हो या कहाँ से आ रहे हो किस गाड़ी में आ रहे हो हम आपकी गाड़ी पार्क नहीं करने वाले, हम मतलब वैले पार्किंग नहीं देने वाले, बेसिक आप हमें पीटी दे रहे हो बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे जो दिखा जाता है सब फेक है, सब फेक है। तो आप कहीं अभी जम्मू में ट्रेनिंग नहीं दे रहे जिम में? नहीं, मैं पिछले दिनों एनी टाइम फिटनेस में था, उसके बाद मैं लॉयन फिटनेस में था, अभी मेरे घर के बिल्कुल मतलब मेरे लोकैलिटी में ही एक बहुत अच्छी जिम खुली है, दैट इज स्ट्रेंथ कल्चर, कि उन्होंने काफी ज्यादा अमाउंट में मशीनरी और जराई फिटनेस का डाला है, बुल रॉक डाला है, बहुत ही बढ़िया जिम है। आई डोंट थिंक सो कि जम्मू में इतना अच्छा जिम होगा राइट नाउ। तो अगर परमवीर जी, अगर आपसे कोई भी युवा जो जिम में बहुत शौक रखते हैं, अगर उनको आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है या फिर आपसे कॉन्टैक्ट करना है, अक्सर देखा जाता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी बहुत चलता है, तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप उनको बताना चाहें कि आपसे मिलना कहाँ है, किस तरह से वो आपके पास पहुंच सकते हैं, कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग आपसे ले सकते हैं? मेरा पेज है परमवीर सिंह, परमवीर _91 के नाम से इंस्टाग्राम पे, और मेरा नंबर मैं भाई साहब शेयर कर देंगे अपने ब्लॉग, हम डिस्क्रिप्शन में परमवीर जी का नंबर डाल देंगे, आप वहां से नंबर नोट करके इनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनसे मिलके आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, पूरी पूरी जानकारी इनसे ले सकते हैं कि किस तरह से आप आने वाले समय में अपनी बॉडी फिट रख सकते हैं। परमवीर जी, आखिरी में हमारा मैसेज रहता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ रहा है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नशे की तरफ अब लड़कों को छोड़ के लड़कियां भी कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, और अक्सर रात के अंधेरे में देखा जाता है कि गाड़ी स्पीड चल रही है, और हर एक गाड़ी में, मैं सभी गाड़ियों के लिए बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सर गाड़ियों में देखा जाता है कि लोग कहीं ना कहीं दारू का सेवन कर रहे हैं और वो फिटनेस की तरफ नहीं जा रहे, आप उनको क्या संदेश देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि नशे की तरफ, किस तरह से नशे को छोड़ के इस लाइन में आए? मैं बड़ी सिंपल चीज कहूंगा कि इसका मेन जो रीजन है अगर वो देखा जाए, कहते हैं बेस होती है घर, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप। पेरेंट्स को अपने बच्चे का, जो आजकल एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है कि हम नाइट स्टडीज के लिए दूसरों के घर जा रहे हैं, वो स्टडीज आप अपने घर भी कर सकते हो, अपने बच्चे को वॉच करो, ठीक है, स्टार्ट से ही वॉच करो, उनको अलाउ मत करो कि वो नाइट स्टडीज के लिए दूसरों के घर जाएं, होता क्या है संगत भी बिगाड़ती है, कहीं ना कहीं आपका बच्चा खुद अलाउ करता है अपने आप को, अगर मैं बोलूंगा किसी कुएं में छलांग लगानी है तो वो अगले बंदे पे निर्भर करेगा कि वो मेरी बात सुनता है कि नहीं सुनता है, इसलिए नाइट स्टडीज में जो संगत होती है बड़ी डिपेंड करती है चीजें, अपने बच्चे को वॉच करो, टाइम टू टाइम देखो, अलो मत करो, पेरेंट्स पे मेन चीज पेरेंट्स को कहूंगा कि अपने बच्चे को रोको। कहीं ना कहीं नशे पे जो मैसेज दिया परमवीर जी ने वो कह रहे हैं कि नशे की तरफ ना जाएं। परमवीर जी, आने वाले समय में अगर जम्मू में कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, चाहे वो इस साल के एंड में होता है या फिर 2024 या 25 में होता है, क्या हम परमवीर जी को स्टेज पे देखेंगे? जी बिल्कुल, आप मुझे देखोगे, मैं खुद इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, ऑल्दो आप मेरे को, ये पैशन है, ये खून में है, ये कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं है जो रुकेगा, मैं अभी बिल्कुल कोई ऐसा सच हेल्थ इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो मैं अगले साल बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। कहीं ना कहीं परमवीर जी ने बिल्कुल संदेश दे दिया कि वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, और अगले साल वो कहीं ना कहीं जम्मू के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन स्टेज पे अवश्य दिखेंगे। परमवीर जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत, तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार, जय हिंद।